संतोष नमस्कार, आप पूछिए क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मेरे पास यस बैंक के शेयर है 50,000। 50,000 बीस रुपए जी, 20 रुपए 20 पैसे पे बाई किया है मैंने। ठीक है, 50,000 शेयर 20 रुपए 20 पैसे के भाव पर, 21 रुपए 10 पैसे का भाव चल रहा है, प्रति शेयर 90 पैसे का फायदा हो रहा है, लेकिन इस 90 पैसे में भी 45,000 का प्रॉफिट है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। आस्था, यस बैंक के लिए कहा यह जा रहा था कि देखिए जो ट्रिगर्स हैं रीरेटिंग वाले वो शायद एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि अब खत्म हो गए हैं। एआरसी वाला जो मामला था, एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी वाला, उसको अपने एसेट्स ट्रांसफर करने वाला, वो भी मामला पीछे छूट गया। आपको लगता है कि जो रफ्तार हमने देखी है 2022 में यस बैंक के शेयर में, वो 2023 में कंटिन्यू होगी, या फिर अब ये शेयर साइडवेज हो जाएगा और जो प्रॉफिट हो रहा है कम से कम इसको अभी वसूल लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो Q2 जो FY23 का आया था वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जो ट्रिगर्स की आपने बात की कि ये जो पूरा इनका स्ट्रेस असेट्स का पूल है, ये ट्रांसफर करने वाले हैं जो फ्लावर्स करके है ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको उसके अलावा इक्विटी की भी यहाँ पे बात है कि कार्लाइल और एडवेंट की तरफ से इक्विटी इन्फ्यूजन भी होगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो यहाँ पे हाई है, लेकिन जब तक नतीजों में वो झलकता नहीं है तब तक थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आता है। तो बहुत अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 6 महीने का, इतना रुक सकते हैं तब तो रुके, और इतना नहीं रुक सकते तो थोड़ा बहुत चाहे प्रॉफिट यहाँ पे पार्शियली पूरा ना निकले पर आधी पोजिशन या एक चौथाई पोजिशन में प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी। ठीक है, येस बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन भार्गव का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है और इनके पास है सुजरॉन के 1,000 शेयर 12 रुपए के भाव पर। 12 रुपए का भाव है, 1,200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू कंपनी लेकर आई थी डिस्काउंट पर, हालांकि शेयर को सपोर्ट नहीं दे पाए थे, वो भी 10 रुपए के आसपास, काफी वोलेटाइल हालांकि काउंटर है सुजरॉन। आपको आस्था लगता है कि सुजरॉन को समय देना चाहिए, क्या कोई रिकवरी की आपको उम्मीद है इसके बिजनेस को देख के, या फिर जो नुकसान हो रहा है उसको बुक कर लें और कहीं और शिफ्ट कर जाएं? मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट करना मैं तो बेटर स्ट्रेटेजी समझती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो डाउनफॉल तो नहीं आएगा लेकिन बहुत बड़ा राइज भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जब तक यहाँ पे सपोर्टिव नहीं होते तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार करेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो होल्ड करें, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करने की सलाह है सुजलॉन से। ठीक है, पार्शली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं सुजलॉन के शेयर से। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे रंजीत का पुणे से। रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी बिरला कॉर्पोरेशन है, 45 शेयर से और बाइंग प्राइस 1078 है। बिरला कॉर्प, ठीक है, एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है ये, 1,078 पर खरीदा है, 45 शेयर 972 रुपये के आसपास का भाव है, प्रति शेयर 100 रुपये के आसपास का नुकसान है। इस पर आपसे रुचित हम राय जानना चाहेंगे। देखिए लास्ट ईयर हमने देखा था कि 1,600 रुपये के आसपास की शुरुआत की थी साल की, फिसल के वो चला गया शेयर 800 रुपये के आसपास, आधा हो गया, वहाँ से थोड़ी रिकवरी की कोशिश है, हालांकि इनकी खरीद भाव थोड़ी सी ऊपर की है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? एक नैरो रेंज में हम देख रहे हैं शेयर को 5-7 महीने से। आई थिंक जो प्राइस वाइज करेक्शन हमने 1,600 से लेके 900 950 तक देखा, वो देख के लग रहा है कि प्राइस वाइज करेक्टिव फिर शायद ये स्टॉक के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन डेफिनेटली और कंटिन्यू रह सकता है, जहाँ पे स्टॉक आपको ब्रॉड 900 से लेके 1,100 की रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए देखेगा। तो जब तक ये 1,100 के ऊपर हम ये स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं देखते तब तक कोई बड़ी डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, सो आई थिंक कंसोलिडेशन फेज है, बट फिलहाल होल्ड करें। जब भी ऐसे पुल बैक मूव्स में ये रेजिस्टेंस एंड या हायर एंड ऑफ द रेंज के आसपास आता है, आई थिंक इनके कॉस्ट प्राइस भी उसके आसपास ही है, तो 1,050-1,100 के बीच में आता है तो वहां पे फिर स्टॉक को रिव्यू करें कि वेदर निकलना चाहिए कि नहीं, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आप ज्यादा बड़े मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करें, 900 से 1,100 की रेंज में ये कंसोलिडेशन मे बी आने वाले कुछ और महीनों तक कंटिन्यू रह सकता है।